जहांगीरपुरी में हमने देखा कि कल किस तरह से यहाँ पर हिंसा भड़क गई थी। अब यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है, यहाँ पर इस वक्त दिल्ली के गलियों में जो है, जहांगीरपुरी के गलियों में जो है लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। शाम का वक्त हो चुका है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज भारी संख्या में तैनात की गई है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा हादसा जो है कल होते होते टला था। हम आपको बता दें कि कल ये जब हादसा हुआ था तब आगजनी हुई थी, आगजनी की घटनाएं हुई थी, कई सारे लोग इसमें घायल हुए थे। आपको बता दें कि इसमें दिल्ली पुलिस के 8 जवान घायल हुए थे, साथ ही साथ एक सिविलियन जो था वो भी इसमें इंजर्ड हो गया था। लेकिन सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह रही कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने करीब आधे घंटे में सिचुएशन पर काबू पा लिया और हालातों को, स्थितियों को नॉर्मल किया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पैरामिलिट्री की फोर्सेस और जवान जो है लगातार यहाँ पर तैनाती कर रहे हैं, क्योंकि शाम का वक्त और करीब इसी ये वही वक्त था जब हनुमान जन्मोत्सव के वक्त यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा के वक्त वहां पर लोग मौजूद थे, एक समुदाय की ओर से, भीड़ की ओर से पथराव हुआ और पथराव के बाद स्थितियां नाजुक है, जिसके बाद से ये पूरी जो ये जो हिंसा है ये होने लगी। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पर हर गली में, हर चौराहे पर, हर जगह पर दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो तैनात किए जा रहे हैं और शाम को एक बार फिर से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है। हालांकि दिन भर से आपको बता दें कि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर जवान मौजूद थे, लेकिन अब स्थितियों को और भी ज्यादा नियंत्रण में लाने के लिए, यहाँ पर अमन चैन को बहाल करने के लिए एक बार फिर से लगातार पुलिस जो है वो यहाँ पर गश्त कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से 100 सीसीटीवी कैमरेज देखे गए हैं, जिनकी ओर से ये देखा जा रहा है कि उसमें कौन ऐसे अराजक तत्व थे जो इस आगजनी में मौजूद थे, जिन्होंने हिंसा को भड़काया। और साथ ही उन वायरल वीडियोस की भी पड़ताल की जा रही है जिनमें वो लोग जो आगजनी कर रहे थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, वो इस पूरे मौके पर थे, उनको वीडियो के जरिए, उनको सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए देखने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक 13 गिरफ्तारियां हो चुकी है और 2 लोगों को जो है वो हिरासत में भी लिया जा चुका है। यानी कि कुल मिलाकर स्थिति अभी यही बनती दिख रही है कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्सेस पल पल हर चीज पर नजर रखे हुए हैं और फ्रंट फुट पर रहकर काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बाई के साथ दिल्ली से आज तक के लिए तीसरी पुरंदरे।